गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपकी क्लास में, टेंथ की क्लास में। बच्चों पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? और जितना रोज का रोज पढ़ोगे तुम्हारे लिए अच्छा है। बच्चों अभी हमने पहले वाले पार्ट को पार्ट सिक्स चल रहा है। पार्ट फाइव में हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले हमने वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अवतल दर्पण के क्या उपयोग है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में मैंने बताया था वाहनों में होता है, पर वाहनों में कहाँ पर होता है तो वाहनों की आगे की जो हेडलाइट होती है उसमें किस दर्पण का होता है उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके अलावा टॉर्च है, उस टॉर्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके अलावा मतलब जो बड़े लोग शेविंग करते हैं या जैसे मेकअप के लिए छोटा सा आईना होता है तो उन सब में भी किसका उपयोग होता है, उन सब में उपयोग होता है अवतल दर्पण का। और इसके अलावा जो दंत विशेषज्ञ हैं वो दांतों का जो टेस्ट करते हैं, देखते हैं दांत की स्थिति कैसी है, तो उसमें भी किसका उपयोग होता है अवतल दर्पण का। अगर आपको ये सब चीजें चाहिए तो पेज नंबर 183 पे देखो लिखा हुआ है, ये देखो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च सर्च लाइट वाहनों की हेडलाइट में, अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट, इन सब में होता है। और शेविंग दर्पण में भी इसका उपयोग होता है, सौर भट्ठी में भी, सोलर भट्ठी में भी सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए इसी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो आप जितना मैं पढ़ा रही हूँ लाइन लाइन से पढ़ा रही हूँ, तो जितना बच्चों मैं पढ़ा रही हूँ बोझ मत समझना, मैं पढ़ा रही हूँ वो समझो, किताब में से देखो फिर आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। और विश्वास रखो, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। और दिमाग में ठान लो कि मुझे कर दिखाना है, मुझे अच्छा करना है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग है वाहनों के पश्चिम दृश्य को देखने के लिए। आपके वाहन में जो मिरर लगा होता है ना, तो वो क्यों लगा होता है, वो ताकि पीछे आपके पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या आ रही है, कितनी बसेस आ रही है, कितनी भीड़ है और आपको किस तरह से निकलना है, इसके लिए वाहनों में जो मिरर लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है वो कहलाता है उत्तल दर्पण। तो ताकि ड्राइवर पीछे की जो लोग हैं, देखो वो सब बड़े बड़े दिखते हैं, बसेस होती हैं, कार होती हैं, लोग होती हैं, लेकिन उन बड़ों को छोटा करने में मदद कौन करता है, मदद करता है उत्तल दर्पण। और आखिर उत्तल दर्पण का ही उपयोग बच्चों क्यों किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण से मिलने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा होता है, सीधा भी होता है और छोटा भी होता है। इसकी वजह से अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों में किया जाता है। ये वाला प्रश्न कारण एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और बाहर से ये वक्रत होता है, जैसे आपको मैंने बताया था आपको चम्मच का आकार, चम्मच को सीधा खाओ तो वैसा अवतल और उल्टा करो तो उत्तल दर्पण, ये आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगी जो भी आपका पेज नंबर किताब पे पेज नंबर दिया हुआ है 184, इसलिए बता रही हूँ किताब में से ताकि आपको परेशानी नहीं हो, सब चीज किताब में देके रखी है। अब आपका टॉपिक है उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। अब अगर मैं वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने लेके जाती हूँ और कहाँ पर रखती हूँ तो क्या कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में। तो अगर मैं वस्तु को अनंत पे रखती हूँ, अनंत का मतलब बहुत दूर, ये समझो उत्तल दर्पण है, और मैंने वस्तु को कहाँ रखा, बहुत दूर। आपको मैंने बताया था वस्तु को यदि दूर दूर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर, ये बताया था। तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, परंतु कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे। यहाँ पर देखो चित्र में ए तथा बी दूर से आने वाली किरणें हैं, हमें दूरी पता नहीं है तो हम क्या कहेंगे, अनंत। क्या कहेंगे, ये अनंत, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब पहुंचे दर्पण
कहाँ पर बन रही है? दर्पण के पीछे। और इसका साइज कैसा होगा? इसका साइज बहुत छोटा होगा, पॉइंट वन होगा। आपको मैंने बताया था जैसे मैं बहुत दूर खड़ी हूँ और अगर मैं मिरर से देख रही हूँ बहुत दूर, तो मेरा आकाश कैसा दिखेगा? बिल्कुल छोटा। कैसा दिखेगा? बिल्कुल छोटा। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी? एप्पल का दर्पण के पीछे। और इसका साइज कैसा होगा? छोटा, पॉइंट जैसा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? मतलब ये सीधा होगा, चाहे तुम कितना भी दूर खड़े रहो, उसका आकार कैसा होगा? सीधा और आभासी। ठीक है, अब दूसरी स्थिति। अब मैंने दूसरी स्थिति लिखा हुआ है, यानी वस्तु का मतलब होता है यहाँ पर बिंब। बिंब की स्थिति आप पेंसिल का उपयोग कर सकते हो, कैंडल का उपयोग कर सकते हो, पेड़ का उपयोग कर सकते हो, किसी का भी उपयोग वस्तु के रूप में कर सकते हो। ये जो डिटेल में प्रयोग है वो सारे प्रयोग 11th में आते हैं। जब आप अगर विज्ञान लेना चाहते हो, साइंस लेना चाहते हो, तो फिजिक्स में ये पूरा आता है। ठीक है, तो वस्तु को मैंने कहां पर रखा? अनंत पर, अनंत तथा पी के बीच। बहुत दूर तो रखा है लेकिन पी के बीच, मतलब एक निश्चित दूरी करनी है। समझो 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, ऐसे निश्चित दूरी करनी। लेकिन पहली वाली स्थिति में क्या था? बिल्कुल अनंत, जिसमें से दिखाई नहीं पड़े, दूर से आने वाले। अभी लेकिन दूर से तो है लेकिन एक निश्चित है, इसके बीच अनंत और पी के बीच, पी और अनंत के बीच। तो यदि वो टकराएंगी, किससे टकराएंगी? उत्तर दर्पण के साथ टकराएंगी। टकराकर इसकी प्रकृति कहां पर मिलेगी? पी तथा एफ के पीछे। पी तथा एफ के, देखो इसका मुझे कहां पर मिलेगा? पी तथा एफ के बीच। पी तथा एफ के बीच और दर्पण के पीछे कहां पर मिलेगी? दर्पण के पी तथा एफ के बीच और कहां पर मिलेगा? दर्पण के पीछे। अभी मुझे ये देखो आकार कितना है, देखो ए डैश बी डैश दिख रहा है बच्चों, ए डैश बी डैश, तो कहां पर मिला? ये देखो पी है और ये क्या दिया है? एफ। तो पी और एफ के बीच ये देखो ए डैश और ये क्या है? बी डैश। ये क्या मिला? प्रतिबिंब। तो ए डैश बी डैश क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। और ए और बी ये क्या कहलाती है? वस्तु। या इसको आप क्या कह सकते हो? बिंब। क्या कह सकते हो? बिंब। तो बच्चों अब तक मैंने जितना पढ़ाया एग्जाम में आता है, क्या आता है? अब आपका होमवर्क क्या है? आपको लिखना है अंतर किसके बीच? उत्तर तथा अवतल दर्पण के बीच। आपको अंतर लिखना है किसके बीच? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बीच अंतर लिखना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं रोज एक ही बात कहती हूँ कि बच्चों जितना हो सके घर पे रहो, बहुत बच्चों जरूरी काम हो तो भी घर से बाहर निकलो, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, ध्यान रखना। बाय बाय।